नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश में नई रिजर्वेशन का रोस्टर जारी किया गया है उसके आधार पर, और हाल में ही 6 मई को ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के माननीय हाई कोर्ट जबलपुर का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, तो उसको लेकर के और हमारी जो एमपी पीएनएसटी है जिसमें आपके बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के पद हैं, इसी तरह से हमारी जो एनएम है 2024, तो उसमें जो सीटें हैं उन सीटों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है या आएगा ही, क्योंकि जो भी हम बता रहे हैं पूरा फैक्ट के आधार पर बता रहे हैं। आज हम आपको पूरा इसका गणित समझाने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत तो हकीकत है और ये सामने कभी ना कभी आएगी ही। तो हमारा जो थंबनेल है उसमें है कि जैसे ही हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो जो सीटें हैं उनको लेकर के एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, और इस उलटफेर से किसको फायदा होगा। अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, आपका ओबीसी है, आपका एसटीएससी है, इसी तरह से आपका जो विकलांग कोटा है आपका 6% है, इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक कोटा है आपका जो 12.5% है आपका, तो इनमें से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, इसमें आशा कार्यकर्ता भी शामिल है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका, माने हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपका पीएनएसटी 2024 का। तो इसमें जो टोटल सीटों की संख्या जो पुराने अधिसूचना के आधार पर 1860 है, तो ये 1860 ही रहेंगी। थोड़ा सा इसमें डाउट है कि जो रीवा आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वो इस काउंसलिंग में शामिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने पहले बताया आपको कि जांच टीम यहाँ पे आ चुकी है और बड़ी तेजी से जो इसमें कमियां थी, दो कमियां मुख्य रूप से पाई गई थी इसमें, एक तो पहला स्टाफ की कमी थी, दूसरा इसकी स्वयं अपने नाम पर कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो इन दोनों कमियों को दूर कर लिया गया है और टीम ने निरीक्षण भी किया है, अभी हाल में ही हमने उसका वीडियो बनाया है, उसमें हमने ये बताया है। तो पूरी उम्मीद है कि रीवा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज 120 सीटों के साथ काउंसलिंग में शामिल होगा, और कोई नए कॉलेज खोले जाने की कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, तो सीटों की संख्या आपकी 1860 ही रहेगी। अब हम यहाँ पे बताएं कि जो रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर जारी हुआ है उसमें आपका जो है वो 73% सीटें जो है वो आपकी कुल मिला के आरक्षित हैं, रिजर्वेशन के अंतर्गत हैं। यद्यपि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आपकी जो महत्वपूर्ण रूलिंग है कि उसमें आरक्षण सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका ये मध्य प्रदेश में खास तौर से इसका उल्लंघन हो रहा है। चलिए ये अलग बात है, किसी दिन वीडियो बनाएंगे, इस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे कि कितना उचित है कितना अनुचित है। अब हम जैसे हमने देख लिया कि 73% आपका आरक्षण है, वो आरक्षण किस तरह से है, तो जो आपका एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 16% कुल पदों का 16%, इसी तरह से आपका जो एसटी वर्ग की बच्चियां हैं उनके लिए 20% और ओबीसी वर्ग की बच्चियां हैं उनके लिए जो है वो 27% आरक्षण लागू किया गया है। यद्यपि यह मामला आपका कोर्ट में है कि 14 या 27 में से किसे दिया जाए, इस पर अभी कोई अंतिम जो है मुख्य डिसीजन अभी नहीं आया है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, लेकिन हम यहाँ पे बता दें कि ये उलटफेर क्यों होगा, तो इसकी मुख्य वजह आपकी जो है ईडब्ल्यूएस जो टोटल पदों पर 10% दिया जाता था, जैसे कि 1860 पद हैं तो इसका 10% आपका 186 सीटें होती थी, तो 186 सीटें इनको शो भी की गई हैं आपके पिछले नोटिफिकेशन में, लेकिन अब जो हाई कोर्ट का 6 मई को 24 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और महत्वपूर्ण जजमेंट है ये आपका, इसमें ये कहा गया है कि अनरिजर्व सीटों
से ही 10% सीटें जो है ईडब्ल्यूएस को दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस सीटों में काफी गिरावट आएगी, जितना हम सोच नहीं सकते हैं काफी गिरावट आएगी, खासतौर से जो बच्चियां जिनकी अभी इस हिसाब से अच्छी रैंक है, तो ऐसी बच्चियां भी जो है वो सिलेक्शन की दौड़ से जो है वो बाहर हो जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये 6 मई को फैसला आया है 2024 में, आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है, और इसमें स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया गया है कि टोटल सीटों में से 10% सीटें आरक्षित किया जाना। आपका हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है आपका 15 और 16 का जो खंड 6 है उसका ये स्पष्ट उल्लंघन है। तो हाई कोर्ट का फैसला है, राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार से जो आपकी काउंसलिंग में जो सीटों की संख्या में इसके चलते काफी उलटफेर होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसा करने से आपके जो खास तौर से आपका जो एसटी एससी ओबीसी और आपका जो भूतपूर्व सैनिक है जिसका आरक्षण आपका 12.5% है 5% है, इसी तरह से दिव्यांगजन इनका आरक्षण जो है वो 6% है, आशा कार्यकर्ता का आरक्षण जैसे एएनएम में आपका 25% है। तो इनको तो निसंदेह रूप से कुछ सीटों का फायदा होगा क्योंकि टोटल सीटों में से 10% सीटें अब ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएंगी, तो इनको कुछ सीटों का जो है वो फायदा होगा। इसमें जो मुख्य रूप से आपका जो नुकसान होने वाला है वो होने वाला है आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल सीटों का, तो टोटल सीटें आपकी जैसे कि पिछले आपके जो सीटें दिखाई गई हैं नोटिफिकेशन में सीटें दिखाई गई हैं, उसमें आपकी जो अनरिजर्व सीटें हैं उनकी संख्या 502 है। तो ये पूरी 1860 सीटों का के आधार पर जो अनरिजर्व सीटें हैं लगभग 73% हटा करके वो आपकी 502 है। अब यदि हम ईडब्ल्यूएस का कोटा हम इसमें लागू करेंगे तो 502 सीटों का आपका जो है वो 10% सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस को जाएंगी। तो इस तरह से ईडब्ल्यूएस की सीटें आपकी लगभग 50 या हम दो को भी अगर पॉइंट मान लें, एक सीट मान लें, तो 50 से 51 सीटें आपकी मात्र जो है वो ईडब्ल्यूएस में होंगी। और ये सीटें आपकी जो है वो 502 सीटों में से जो अनरिजर्व सीटें हैं उनमें से ये कम होंगी। और जो अनरिजर्व सीटें हैं यदि हम 1860 के आंकड़े को मान के चलते हैं तो अनरिजर्व की सीटें घट करके जो है वो जो 502 थी अभी वो हो जाएंगी आपकी 452 सीटें। तो इस प्रकार से अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य जो आरक्षण प्राप्त है एसटी एससी ओबीसी है आपका, आशा कार्यकर्ता है, भूतपूर्व सैनिक है, आपका जो हैंडीकैप कोटा है, तो उन लोगों को जो है उसमें कुछ सीटों का जो है वो फायदा हो रहा। अब कुछ आपके सवाल आए हैं मैसेज में, कुछ बच्चियां पूछती हैं सर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि सर आप जो है वो कितने, आपकी उम्र क्या है, तो बताइए हमारी उम्र क्या है। अगले वीडियो में हम ये आप बताएंगे, पहले आप हमको मैसेज करिए कि हम जो है वो कितने साल के लगते हैं। और अब वही प्रश्न बच्चियां खूब पूछ रही हैं कि काउंसलिंग कब होगी, तो हमने कल ही एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कहा कि थोड़ा सा विलंब है कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया में, एक दो दिन का टाइम और लग सकता है, तो इसकी उल्टी गिनती शुरू है आपकी। और जिस तरह से हमको उम्मीद है कि आज 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर 2024 है, 2 से 3 दिन में आपका जो है वो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आपका आना बिल्कुल लगभग संभव है, आ जाएगा आपका, और उसके बाद काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो एक हमने और वादा किया था कल की वीडियो में कि जो इस तरह से सीटों में उलटफेर हो रहा है उसके आधार पर जो रैंक आई हैं बच्चियों की, तो उसमें से कितनी रैंक तक की बच्चियां जो हैं वो काउंसलिंग करें उनको होने के लगभग पूरे चांस हैं। और यहाँ पे एक चीज हम स्पष्ट कर दें,
कि ऐसी बच्चियां चाहे वो एनएम हो या आपका पीएनएसटी, इसमें आपका बीएससी नर्सिंग और आपका जीएनएम शामिल है, तो जीएनएम के कोई सरकारी कॉलेज नहीं है मध्य प्रदेश में, जो भी हैं प्राइवेट कॉलेज हैं, और एनएम के आपके लगभग 8 से 9 प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पे सीटों की संख्या का लगभग जो है वो हमारे पास जिले बाई जिले है कहाँ पे केंद्र है उसमें कितनी सीटें हैं, तो इसकी सीटें लगभग 220 सीटें हैं। कुछ सीटें इसमें बढ़ सकती हैं क्योंकि नए प्रशिक्षण केंद्र जो है वो चालू हो सकते हैं, जिसकी जानकारी हमको जो है वो काउंसलिंग में मिलेगी। जहां तक बीएससी नर्सिंग का सवाल है, तो मुख्य रूप से हर बच्ची का यही आपका जो है वो टारगेट होता है कि हम जो है वो सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें। तो मुख्य लड़ाई आपकी सरकारी कॉलेज के लिए होती है, जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होती है। प्राइवेट कॉलेजों में तो आराम से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि जो कट ऑफ है, क्वालिफाई कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं, तो वो आपका एएनएम में आपका जो अगर आप अनरिजर्व हैं तो आपका कट ऑफ जो है वो 45% है, और यदि आप ईडब्ल्यूएस एसटीएससी ओबीसी या किसी भी आरक्षण के अंतर्गत आप आते हैं तो आपको 40% नंबर जो है वो लाने होंगे। जहां तक हम बात करें आपका पीएनएसटी में, तो यहां पे थोड़ा कट ऑफ ज्यादा है, यहां पे आपका जो ईडब्ल्यूएस है और अनरिजर्व है उनके लिए 50% टोटल 100 मार्क का लाना होगा, और इसमें जो अनरिजर्व आपका जो हैंडीकैप वर्ग है तो उनके लिए ये कट ऑफ जो है वो 45% है। बाकी शेष रिजर्वेशन जो भी रिजर्वेशन है एसटीएससी ओबीसी और अन्य, तो उनके लिए जो है वो 40% कट ऑफ है। तो पहली राय तो हम आपको यही देना चाहेंगे कि ऐसी बच्चियां जो कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं उनको जो है काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऐसी बच्चियां काउंसलिंग का वेट ना करें और नेक्स्ट एग्जाम की, जी हाँ, 25 के एग्जाम की तैयारी में पूरे जोर शोर से जो है वो जुट जाएं, और उन्हें निसंदेह रूप से यदि उन्होंने सही ढंग से मेहनत कर ली, ईमानदारी से मेहनत कर ली, एक एग्जाम के प्रति एक पागलपन होने की जरूरत है, यदि वो पगला गई तो सफलता उनके कदम चूमेगी। और अब बात रही कि कितना आपका जो है वो कट ऑफ आए अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में, आपका एसटीएससी ओबीसी में, खास तौर से कि आप जो है वो काउंसलिंग का वेट करें और काउंसलिंग जरूर करवाएं। तो इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, लगभग 13 आपके मिनट का वीडियो हो गया है, और यूट्यूब का एक नियम है कि यदि वीडियो लंबा होता है तो बच्चे उसको जो है वो नहीं देखते हैं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो एक अलग ही वीडियो में हम आपको जो उलटफेर होगा काउंसलिंग में सीटों को लेकर के, कम ज्यादा सीटें हो रही हैं तो उसके आधार पर जो है वो कितना कट ऑफ आपका रैंक, तो कट ऑफ अपन रैंक से ही लेंगे कि पहली शर्त है कि क्वालिफाई होना चाहिए और दूसरी शर्त है आपकी कि रैंक कितनी है। तो बच्चे हमसे कई क्वेश्चन पूछ रही हैं कि, तो इस तरह पूछती हैं कि सर रिजर्व रैंक हमारी इतनी है, तो अब यहाँ पे वो रिजर्व रैंक का मतलब तो बहुत ज्यादा होता है कि किस कैटेगरी की है आपकी एसटी एससी ओबीसी, किस कैटेगरी की है ये भी आप बताएं हमको, और क्वालिफाई नंबर देखने के लिए हमको जो है वो टोटल आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, आप क्वालिफाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये भी हमको लिखें, तभी हमारे लिए कोई जवाब देना आपके लिए जो है वो सक्षम हो पाऊंगा मैं जवाब देने में। तो लगभग मैं हर मैसेज का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है आपके अधूरे हैं उनका जवाब जब तक पूरा क्वेश्चन ना हो तब तक हम नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही और विदा लेता हूँ, हो सकता है कि अगला वीडियो हमारा जो कट ऑफ रैंक कितनी तक हो कि आप जो है वो सेफ जोन में हैं ये हम बताने का प्रयास करेंगे, और ऐसी बच्चियां जो है वो काउंसलिंग करें, और जिनका कट ऑफ इससे ऊपर जा रहा है या जो हमारा कट ऑफ हम बता रहे हैं उसमें नहीं आ रही हैं, ऐसी बच्चियां जो है वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। तो आज इतना ही, मैं आरके सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, नमस्कार, धन्यवाद।